आज हम ऑन बिहाफ ऑफ द पीएचडी चैंबर कश्मीर चैप्टर की तरफ से मैं मेरा को चेयरमैन एंड ऑल कमेटी चेयरमैन जिसमें हमारा टूरिज्म एजुकेशन हॉर्टिकल्चर स्किल डेवलपमेंट हर एक बात की आज हमने उसके साथ जितने भी मसले थे उनके बात उनके साथ हो गई एंड उन्होंने बहुत ही पेशेंटली हर एक चीज को सुन लिया और उन्होंने वादा किया कि हम इसमें हर चीज में आपको जितना भी हमने बताया इसको एड्रेस किया जाएगा और साथ ही उन्होंने फरमाया नहीं हम पीएचडी चैम्बर के साथ अपने सारे जितने भी हमारे कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं हम उनको साथ लेकर जल्द अज जल्द फिर एक मीटिंग करेंगे शायद वो 9 तारीख को उन्होंने वापस श्रीनगर आना है उन्होंने कहा आई शुड हैव ऑल द सेक्रेटरी कमिश्नर्स एंड मे बी यू नो मिनिस्टर हम सारा आपके मसले एड्रेस करेंगे दो तीन मसले जो मैंने उनके साथ नंबर वन जीएसटी की बात हुई टूरिज्म सेक्टर के लिए मैंने उनको कहा कि टूरिज्म में पहले भी यहाँ वैट नहीं लग रहा था अब भी नहीं लगना चाहिए तो उन्होंने पहले भी वादा दिया था फाइनेंस मिनिस्टर हसीब साहब ने भी तो उन्होंने कहा नहीं हम उसकी तरफ और नंबर तो हमने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कहा तो उन्होंने वादा दे दिया नहीं दोनों सेक्टरों में हम कुछ ना कुछ करेंगे तो नंबर दो जो इस वक्त मसला सारे कश्मीर में बना है वो है बैंक का मसला जो मॉडिटोरियम पीरियड हमारा एंडिंग दिसंबर खत्म हो रहा है तो पिछले साल महबूबा जी ने बड़ी कोशिश की वो एक साल का दिलाया आज हमने फिर इनको की कि आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं जबकि आपको पता है दोनों साल कश्मीर के बिल्कुल बेकार रहे अनफॉर्चुनेट था कोई कारोबार नहीं चला कोई टूरिज्म नहीं चला कोई सेक्टर ही नहीं चला तो मेहरबानी कर लीजिए सीएम साहिबा इसमें और 2 साल लेने की जरूरत है मॉडिटोरियम पीरियड प्लस जो भी ये 2 साल का इंटरेस्ट हमें चढ़ा है पिछले साल का ये एक हकीकत की बात है तो उन्होंने कहा नहीं जरूर हम इसके ऊपर गौर करेंगे हम आपके साथ हैं उसने बड़ी हमदर्दी दिखाई कि हम आपके साथ हैं हम आपके साथ रहेंगे हम आपको मैंने कहा वी आर द स्टेक होल्डर्स हमें तो काम करने से मतलब है मगर जब हमारे बैंक कल को हमने किसी ने अगर कोई खाया है बेशक उनको पकड़ लीजिए अब जिसने कारोबार में लगाया है अनफॉर्चुनेटली 2 साल से बेकारी है तो हमारी यही उसको गुजारिश थी इसको 2 साल के लिए और मॉडिटोरियम पीरियड प्लस 2 साल का इंटरेस्ट हमें माफ किया जाए तो उन्होंने कहा हम जरूर गौर करेंगे क्यों न करें मैंने कहा हम आप लोग आपके लोग हैं अगर चलाना है इकोनॉमी बढ़ानी है तो हॉर्टिकल्चर की बात हो गई स्किल डेवलपमेंट की बात हो गई तकरीबन सारे सेक्टर हमने कवर कर दिए और पीएचडी को उसने यकीन दे दिया कि हम आपको साथ साथ रखेंगे तो हमें तो कुछ नहीं चाहे पर्सन एज अ पर्सन हमें कुछ नहीं ना पीएचडी को कुछ चाहे हम चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सोसाइटी इस इकोनॉमी को किस तरह बढ़ाया जाए तो हमारा जितने भी स्टेक होल्डर वो किस तरह खुशहाली से काम करे तो इतनी बात हमारी उससे हो गई है तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ तो आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया।